जिंदगी के भिन्न रंगों को समेट कहानी का आकार देता हूं। कुछ इसलिए ही तो कहानीकार कहलाता हूं। डर एक अजीब सा एहसास है। हम सब उस डर की कहानी को जानते तो हैं पर मानते नहीं। रामबाबू जो एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के सेल्स हेड थे, हर बार की तरह फिर से सेल्स टूर पर निकले थे। भारी बारिश में केरल के एक छोटे से गांव अरिया में आते आते राम की बस लेट हो चुकी थी। बाबूजी, हमारा आखिरी बस स्टॉप है, आपको यहीं उतरना होगा, कंडक्टर ने कहा। अरे पर मुझे तो आगे जाना है, राम बाबू ने कहा। इतनी रात गए, इतनी बारिश में आपको आगे कुछ नहीं मिलेगा। इस गांव में एक छोटा सा आश्रम है, आप वहां रात गुजार लीजिए, आप कल सुबह वापस शहर जा सकते हैं, कंडक्टर ने बोलते हुए बस रोक दी। राम बाबू बस से उतर अभी कुछ बोल ही रहे थे। अरे यहां तो बहुत अंधेरा है, बस निकल चुकी थी। किसी तरह संभलते हुए राम अपना छाता खोल पास ही एक पेड़ के नीचे जा रुके। दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा ही दिख रहा था। कुछ दूर चलने के बाद जब उन्हें एक रोशनी दिखी तो वो तेजी से उस ओर बढ़ गए। वहां उन्हें एक छोटा सा टी स्टॉल दिखा। हेलो हेलो, यहां कोई है क्या? हेलो, बहुत बोलने के बाद जब कोई नहीं आया तो पलट अभी वहां रखे बेंच पर बैठने को हुए थे कि अचानक एक औरत अंदर से बाहर आई। जी बताएं, उस औरत ने पूछा। राम बाबू पलटे तो देखा उनके सामने लगभग 6 फुट लंबी एक औरत खड़ी थी। बड़ी लाल आंखें, माथे पर एक लाल गोल बिंदी और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान। सफेद और मैरून से रंग की साड़ी में लिपटी वो औरत अभी कुछ बोल पाती। असल में मुझे गांव के एक आश्रम तक जाना है, आपको पता है वो किस तरफ है? राम बाबू ने कहा। वो तो लगभग 8 किलोमीटर आगे है यहाँ से, और इतनी बारिश में आपको बहुत समय लग जाएगा। ओह, राम बाबू मायूस होते हुए बोले। पर आप हमारे कॉटेज में रुक सकते हैं, पास में ही है, यहाँ कई यात्री आते हैं, हम उन्हें रुकवाते हैं। थैंक यू, पर मुझे लगता है आश्रम ठीक होगा। इतनी रात गए, गांव तक का रास्ता ठीक नहीं है, बीच में घना जंगल भी है, उस औरत ने कहा। कुछ सोचते हुए राम बाबू ने कहा, ठीक है, आइए आपको कॉटेज तक ले चलती हूँ। कॉटेज का रास्ता गांव के बिल्कुल उल्टी तरफ था। उस ओर जाते ही मानो सब कुछ बदलता दिख रहा था। राम बाबू ने तुरंत अपना टॉर्च जला लिया। चारों ओर छोटे छोटे तालाब थे जिनके पानी का रंग लाल था। तालाब के चारों तरफ डरावने सफेद पेड़ थे जो मानो तालाब से निकल रहे हों, और वो औरत चल नहीं रही थी बल्कि जमीन पर अपने पांव घसीट रही थी। ये रहा कॉटेज, उस औरत ने कहा। कॉटेज को देख राम बाबू मानो कुछ पल के लिए सुन रह गए। बाहर से तो कॉटेज ऐसा लग रहा था मानो सालों से खाली पड़ा हो। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था और ठीक कॉटेज के ऊपर पूरा बड़ा गोल चांद देखा जा सकता था। वो औरत कॉटेज के बाहर कुछ फुसफुसा भी रही थी। अंदर आपको सारा सामान मिल जाएगा, इतना कह वो औरत मानो राम बाबू की आंखों से ओझल हो गई। राम बाबू ने जैसे कॉटेज का दरवाजा खोला उनके आश्चर्य का तो ठिकाना ही ना रहा। अंदर से तो एक कॉटेज मानो एक पुराने महल की तरह लग रहा था। अंदर एक बहुत ही बड़ा कमरा था जिसमें कई सारे डिजाइनर फर्नीचर्स, एंटीक लाइट्स, बड़े पर्दे देखे जा सकते थे। दीवारों पर की गई नक्काशी कुछ पुरानी लगती थी, मानो 100 से 150 साल पुरानी। सब कुछ सपने जैसा लग रहा था। थोड़ा सांस भरने के बाद राम बाबू ने जब डिनर कर अपनी सेल्स रिपोर्ट भरनी चाही तो सामने रखी कुर्सी और टेबल की ओर देखा। दोनों ही एक बड़ी खिड़की के सामने रखे थे और मानो वो किसी ऑफिशियल काम के लिए ही बनाई गई हों। राम बाबू तुरंत उस ओर बढ़ गए। अभी उस कुर्सी पर बैठने के लिए तैयार हुए थे कि बाहर खिड़की पर अचानक किसी की हथेलियां दिखी जो बोल रहा था इस पर मत बैठो, पर राम बाबू तब तक उस कुर्सी पर बैठ चुके थे। बैठते ही मानो एकदम से अंधेरा छा गया और चारों दिशाएं गोल गोल घूमने लगी। जब सब ठहर गया तो राम बाबू ने होश संभालते हुए इधर उधर देखा। वो अभी भी उसी कुर्सी पर बैठे थे। तभी बाहर से किसी के दरवाजा खोलने की आवाज आई। अभी वो कुछ संभाल पाते वो उलटते पुलटते दरवाजे की ओर चल दिए। दरवाजा खोला तो देखा 4 अंग्रेज अफसर बाहर खड़े थे। उनकी वर्दी तो अलग दिख रही थी, मानो वो भारत की आजादी से पहले के हों। उन्होंने तुरंत कहा, समय हो चुका है। किसका? राम बाबू ने पूछा। तुम्हारी फांसी का, मतलब? राम ने कहा। जब अचानक से उनकी नजर अपने कपड़ों पर पड़ी
तो देखा वो जेल के कपड़ों में है। राम को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो तो अभी कहीं और थे। अफसरों ने राम बाबू को खींचते हुए बाहर निकाल लिया, उनके दोनों हाथों में हथकड़ी लगा दी और बरामदे की ओर ले गए, जहां उन्हें ठंडे पानी से नहलाने लगे। तभी वहां राम बाबू की नजर उस औरत पर पड़ी जो वहां झाड़ू लगा रही थी और ठीक राम बाबू की आंखों में देख रही थी। ये तो वही औरत है, ऐसा कहते हुए राम बाबू ने तुरंत उसकी ओर दौड़ लगा दी और उसका हाथ पकड़े भी कुछ पूछ पाते अफसरों ने उनके ऊपर लाठियों की बरसात कर दी और चोट लगने के कारण राम बाबू बेहोश हो गए। जब राम बाबू की आंख खुली तो उन्होंने अपने आप को एक खेत में पाया। बड़ी गहरी सांसें लेते हुए वो चारों ओर देखने लगे। अब ना तो वो कॉटेज दिख रहा था ना वो अफसर। किसी तरह उठे तो देखा उनका बायां हाथ आधा काला हो चला था। ऐसा लग रहा था मानो हजारों सुइयां उनके हाथ में एक साथ चुभो दी गई हों। किसी तरह गिरते पड़ते जब वो बाहर मेन रोड पर आए तो वहां आते जाते लोगों से पूछने लगे, यहाँ एक चाय की दुकान थी, मैंने कल रात ही यहाँ देखी थी और वो औरत भी थी। ये सुनते ही वहां एक व्यक्ति फादर फर्नांडिस चिल्लाते राम बाबू से दूर भागने लगा। ऐसा लगा मानो वो राम बाबू से ही डर गया हो। ये सब राम बाबू को अजीब लग रहा था। आखिर उनके साथ ये सब क्या हो रहा था? उन्हें लगा वो व्यक्ति उन्हें फादर फर्नांडिस के पास जाने के लिए कह रहा था। आखिर राम बाबू गांव के चर्च पहुंच ही गए। अंदर आते ही वो चिल्लाने लगे, फादर फर्नांडिस प्लीज हेल्प मी। आवाज सुनते ही फादर फर्नांडिस तुरंत बाहर आए। फादर, मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, पहले वो टी स्टॉल और वो औरत और फिर वो अफसर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फादर ने कहा, माय सन, ना तो वहां कोई टी स्टॉल है और ना ही वो औरत जिंदा है, पर तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो पहले भी लोगों के साथ हो चुका है। हैरानी की बात तो यह है कि तुम जिंदा हो, जबकि वहां से कोई भी आज तक जिंदा वापस नहीं आया सिवाय एक के। मैं तुम्हारी मदद तो कर सकता हूं, पर तुम्हें सारी बात मुझे साफ साफ बतानी होगी। आखिर तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ? राम बाबू ने एक सांस में सारी घटनाएं बता दी। ओ, तो तुम उस औरत को छू पाए? जी जी हाँ, राम बाबू ने कहा, इसीलिए तुम वापस आ पाए। और अगर तुम बचना चाहते हो तो तुमको वापस जाना पड़ेगा और किसी तरह अपनी फांसी रोकनी होगी। पर जिस हाथ से मैंने उसको छुआ था वो पूरा हाथ काला पड़ गया है, राम ने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। मैसन, धीरे धीरे तुम्हारा पूरा शरीर काला पड़ जाएगा, क्योंकि वो तुमको उधर टॉर्चर कर रहे हैं और तुम मर जाओगे, इसलिए तुम्हें वो करना पड़ेगा जो तुम्हें बता रहा हूं। पर फादर, मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है और वो औरत कौन है? वो एक आत्मा है जो हर पूर्णिमा की रात इस दुनिया से लोगों को उस दुनिया ले जाती है और उनको मारकर उनकी आत्मा अपने कब्जे में कर लेती है। इसीलिए हर मरे हुए व्यक्ति की लाश उस पास के खेत में मिलती है। उस औरत का नाम है मरिया सिल्वेस्टर और वह लगभग 100 साल पहले इस कॉटेज में रहती थी। क्या राम बाबू अपनी जान बचा पाएंगे? सुनाऊंगा आगे की कहानी सिल्वेस्टर कॉटेज भाग 2 में। दोस्तों, यदि कहानी आपको पसंद आई तो आप हमें फेसबुक पर @SudhanshuRayOfficial पर फॉलो कर सकते हैं। साथ ही आप राय सुधांशु 39 से हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सुनते रहिए कहानियाँ कहानीकार सुधांशु राय के साथ।